ये क्वेश्चन गेट 2020 में पुट हुआ है, पूरा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो उसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं 64, तो पहले तो ये से देख लो, अगर 64 रजिस्टर्स हैं तो कितनी बिट लगेंगे इनको लेबल करने के लिए, 6 बिट। क्यों 6 बिट लगेंगे, क्योंकि 2 पावर 6 इज 64, ठीक है। तो 6 बिट से हम इनको लेबल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में है टोटल 16 बिट्स, मतलब 16 बिट की हर एक इंस्ट्रक्शन है, और दो तरह के इंस्ट्रक्शन, एक आई और एक आर। आई में का फॉर्मेट दिया है इन्होंने ऑपकोड रजिस्टर नेम और 4 बिट वैल्यू, मतलब 4 बिट के कोई हम डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं इसमें, इमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑपरेंड। और आर में है ऑपकोड रजिस्टर नेम 1 एंड रजिस्टर नेम 2, मतलब 2 रजिस्टर आप दे सकते हैं। आपको साथ में दिया गया कि 8 आई टाइप इंस्ट्रक्शन हैं, और आपसे पूछ रहे हैं आर कितनी हो सकती है, आर टाइप की मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन कितनी पॉसिबल है, ऑपकोड कितने पॉसिबल है। ओके, तो पहले तो यहीं से सिंपली देखो, रजिस्टर नेम कितनी बिट का होगा, 6, और ये कितना है 4, तो मैक्सिमम ऑपकोड यहाँ पे कितना हो सकता है, 6 बिट का। यहाँ पे देखो रजिस्टर नेम 1 6 बिट का, रजिस्टर नेम 2 भी 6 बिट का, तो ऑपकोड कितना हो सकता है, 4 बिट का। अच्छा, अब आपको 8 आई टाइप इंस्ट्रक्शन गिवन है, तो पहले तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ से देखो, अगर मेरे पास आर टाइप गिवन है, गिवन होती, मैं मानता हूँ कि लेट सपोज कि आर टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है वो टोटल एक्स है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 पावर 4 टोटल, अगर आर टाइप 2 पावर 4 जाती तो आई टाइप आने का कोई मतलब नहीं बनता था। ये बात बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि 2 पावर 4 मतलब सारा ऑपकोड हमारा यही खर्च हो जाता, तो फिर आगे हमें रजिस्टर नंबर 1 रजिस्टर नंबर 2 ही देना पड़ता, तो 2 पावर 4 अगर टोटल आर होती तो आई हमारे पास ना हो पाती, लेकिन आई 8 हमें गिवन है, तो इसलिए हमने कहा कि 2 पावर 4 नहीं, 2 पावर 4 से कम है, लेट अस सपोज दैट वैल्यू इज एक्स, तो हम क्या कहेंगे 2 पावर 4 माइनस एक्स। ये कॉम्बिनेशन कुछ बच गए हमारे, 2 पावर 4 का जो ऑपकोड था, मतलब 16 ऑपकोड थे, उसमें से ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कुछ बच गए हैं। अच्छा, इन बचे हुए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये 6 था ये 4 था, तो मतलब 2 पावर 2 से हम, क्योंकि 2 बिट एक्स्ट्रा है ना इसके अंदर, तो 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, टोटल ये हमारे पास हो सकती थी आई टाइप इंस्ट्रक्शंस, और आई टाइप इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कितनी गिवन थी, 8, तो आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 14। 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देता हूं। जैसे देखो आर टाइप में ऑपकोड कितने का था, 4 बिट का था, 4 बिट का मतलब क्या होगा, 40 से लेकर 41 तक, ठीक है, ये हमारा ऑपकोड होगा फॉर आर टाइप, हो सकता था, मतलब टोटल 16 कॉम्बिनेशन हो सकते थे। अगर मैं ये सारे कॉम्बिनेशन ले लेता तो आई टाइप के लिए मेरे पास जगह ना बचती, क्योंकि जब सीपीयू 4 बिट शुरू के रीड करता तो उसको समझ में आता कि ठीक है आर टाइप में जाएंगे, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आर टाइप के को ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे, बट मैंने इनमें से एक्स कॉम्बिनेशन नहीं लिए, ठीक है, या यू कैन से एक्स कॉम्बिनेशन मैंने ले लिए हैं फॉर आर टाइप, तो जो बच गए ये टोटल 2 पावर 4 माइनस एक्स जो बच गए उसको मैंने मल्टीप्लाई किया ना 2 पावर 2 से, तो पहले तो ये देखो एक्स की वैल्यू मैंने 14 बताई आपको, मतलब मैंने इनमें से 14 कॉम्बिनेशन ले लिए हैं आर टाइप के लिए, बच गए 2 कॉम्बिनेशन, वो मैंने आर टाइप में यूज नहीं किए हैं। तो जैसे सपोज करो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं, मैंने मान लिया 1000 और 1101, ये 2 कॉम्बिनेशन है इनमें से जो मैंने आर टाइप में यूज नहीं किए हैं। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं फॉर आई टाइप इंस्ट्रक्शन। अब आई टाइप की खास बात क्या है, उसमें कितने बिट का ऑपकोड है, 6 बिट का ऑपकोड है। अगर 6 बिट का ऑपकोड है तो ऐसे समझो 2 बिट एक्स्ट्रा होगी ना 4 से, तो 2 बिट एक्स्ट्रा होगी तो 00011011। सिमिलरली यहां पे भी मैं भर लूंगा 00011011, तो 1000 के बाद 20, 1000 के बाद 01, 1000 के बाद 10, 1000 के बाद 11 एंड सो ऑन। तो आप ये देख पा रहे हैं टोटल यहां से कितनी आई, 4, और टोटल यहां से भी कितनी आई, 4, तो यही टोटल 8 आई टाइप के ऑपकोड्स हमारे पास थे, ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो ऑपकोड्स हमारे पास बच गए जो हमने आर टाइप में नहीं लिए, उन्हीं को मैं आगे आई टाइप में लेके जा सकता था, और जो डिफरेंस था इनमें से 6 माइनस 4 दैट इज 2, उसी को हमने 2 पावर 2 करके मल्टीप्लाई करवा दिया था। तो मल्टीप्लाई करवाने का लॉजिक ये रहा, हमने यहाँ पे अभी आपको सिखाया है कि हम इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है।